नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केरकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे स्लीपिंग टैबलेट्स पे, नींद की गोलियों के बारे में। क्या होता है कि ज़्यादातर जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं उनकी शुरुआत का लक्षण होता है नींद न आना। और फिर नींद न आने की वजह से अगर ये कंसिस्टेंटली एखादे व्यक्ति को तकलीफ हो रहा हो तो उसकी वजह से फिर काम पर असर पड़ता है, फिर उसका दिमाग काम नहीं करता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, वीकनेस बहुत आता है, फटीक थकान बहुत लगती है, कंसंट्रेशन अटेंशन नहीं होता है। तो इसलिए उसको क्या लगता है कि अभी स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, तो बेटर है कि हम नींद की गोली लें। और वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको नींद की गोली दो। तो जनरली अब ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम 0.25 के डोज में देते हैं और उनको बताते भी है कि आप ये दवाई कुछ दिनों के लिए लो और बाद में फिर वो बंद करो, आगे कंटिन्यू मत करी। लेकिन क्या होता है कि ये लोग उसके प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी खरीद कर खाते रहते हैं और ये काफ़ी दिनों तक वो करते रहते हैं, क्योंकि उनको नींद आती है, उनका टेंशन कम रहता है, उनका एंग्जाइटी कम रहता है और उनको रिलैक्स लगता है, इसलिए वो कंटिन्यू लेते रहते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो टेंशन, अगर वो जो फीलिंग है, जो रिलैक्स होने की फीलिंग है, वो ऐसा लगता है कि सुबह भी बहुत स्ट्रेस होता है, उठने के बाद मन नहीं करता है, तो फिर वो सुबह भी ले ले। और वो धीरे धीरे सुबह भी वो दवाई अल्प्राजोलाम या क्लोनाजेपाम जो भी वो ले रहे हैं वो शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ते जाती है, एक गोली से दो गोली, दो गोली से तीन चार। और ऐसे मैंने कुछ कुछ लोग देखे हैं जो 8-8 मिलीग्राम अल्प्राजोलाम या 4-5 मिलीग्राम क्लोनाजेपाम ले रहे हैं। लोराजेपाम भी मैंने बीच में एक पेशेंट को देखा था कि वो दिन में 4-5 मिलीग्राम लोराजेपाम ले रहा है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा हो गया है कि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है और उन वो जो प्रॉब्लम्स के लिए वो ले रहे थे दवाई वो अभी वैसी की वैसी ही है, वही घबराहट हो रही है और उनको कोई रिलीफ नहीं है इतना मेडिसिन लेने के बावजूद भी। तो ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं। अब इसके पीछे क्या है कि उनको धीरे धीरे वो मेडिसिन का आदत होते जाता है, जिसको बोलते हैं एडिक्शन, और उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और वो दिन में फिर अगर तकलीफ हुई तो वो ले लेते हैं। तो ऐसे करके वो एडिक्ट हो जाते हैं और उनको समझ भी आता है किसी किसी को कि एडिक्शन अच्छा नहीं है, फिर भी क्या होता है कि वो बंद करने की कोशिश करें तो बंद भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो बंद करे तो उसका विड्रॉल आता है, यानी घबराहट होना, पसीना आना, बेचैनी लगना, और किसी किसी को विड्रॉल फिट्स भी आते हैं अगर ये दवाई बंद की तो। तो ऐसे जो नींद की गोलियां है इसमें आता है क्लोनाजेपाम, अल्प्राजोलाम, टीमाजेपाम, नेट्राजेपाम, लोराजेपाम, तो ऐसे अलग अलग मेडिसिन आते हैं जो आदत लग सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म हम बिना सलाह ले रहे हैं तो। इसमें मेरा कहना है आप सबको कि आपको अगर नींद की गोली जितने टाइम के लिए दी है उतनी ही ले, अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, और अगर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है तो ज़रूर आप साइकेट्रिस्ट से मिलिए, ताकि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके लिए ट्रीटमेंट हो, ना कि सिर्फ नींद के लिए हो। नींद तो एक लक्षण है, लेकिन जो बाकी के प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो उसका फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। कुछ दिनों पहले, एक्चुअली 2 साल पहले मेरे पास एक शख्स आए थे जिनका फ्रेश तब एंजियोप्लास्टी हुआ था और वो एंग्जाइटी बहुत थी, टेंशन था कि काम कैसे करेंगे, मार्केटिंग का जॉब था, इसलिए उनके डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप कुछ दिन के लिए अल्प्राजोलाम 0.25 लो। वो मेरे पास आए थे ये पूछने के लिए कि मैं कंटिन्यू करूँ क्या, तभी मैंने उनको बोला था कि ये आपको लत आदत लगेगी और आप ये थोड़े ही दिन के लिए आपको बोला है उतना ही लो, बाद में आप बंद करो, अगर आपको स्ट्रेस लग रहा है तो मेरे से दवाई लिख के लेके जाओ। लेकिन उनका रिलक्टेंस ये था कि मैं वो भी दवाई ले रहा हूँ, ये दवाई इतनी सारी लूँ, मेरे को नहीं लेना है मुझे। तो उसके बाद वो आए नहीं। अभी वो 2 साल बाद ऑलमोस्ट आए थे, तब मेरे से उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि अब मुझे अल्प्राजोलाम ऑलमोस्ट 1 मिलीग्राम लग रहा है, यानी 4 गोली वो दिन में 0.25 की ले रहे हैं। अब उनको मेरी बात समझ में आ रही है 2 साल बाद।
इसलिए वो अभी उसके लिए ही आए हैं कि अब मुझे टेंशन हो रही है कि अगर 2 साल में मैं 1 मिलीग्राम पे पहुंचा हूँ तो शायद और 2 साल में मेरी और रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। अब उसके लिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट मेरे से ले रहे हैं और हम धीरे धीरे अल्प्राजोलाम कम कम करते जा रहे हैं ताकि उनका एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो ऐसे करके आप बिना वजह, बिना सलाह, आप नींद की गोलियां बिल्कुल ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर फॉलोअप से ही आप नींद की गोलियां लें। नींद की गोलियां अपने आप में कोई घातक नहीं है, एडिक्टिव नहीं है, पर अगर वो डॉक्टर के सलाह बिना लिए जाए या डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है, लेते जा रहे हैं दवाई, तो वो एडिक्टिव हो सकती है। डॉक्टर्स को ये पता होता है कि कितने समय तक शुरू रखनी है, कब धीरे धीरे करके बंद करनी है, और इसीलिए आपको वो प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन वो उसका यूज़ मिसयूज़ हो जाता है और उसकी वजह से फिर वो उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए वापस मेरा यही कहना है कि बिना सलाह स्लीपिंग मेडिसिन्स, नींद की गोलियां ना लिया जाए। धन्यवाद।